देखिए, बात करेंगे डर्मीफोर्ड क्रीम के बारे में कि कौन सी प्रॉब्लम में हम इसका सेफ यूज करें ताकि इसके साइड इफेक्ट भी ना हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, डर्मीफोर्ड जो क्रीम है वो बहुत सारी प्रॉब्लम में काम आती है। जैसे कि अगर आपको इस तरह की कोई इचिंग प्रॉब्लम है, जैसे आप इस फोटो में दिख रहे हैं, अगर आपको इस तरह की कोई इचिंग प्रॉब्लम होती है या इस तरह की कोई दांत की प्रॉब्लम है, आपकी कोई दांत की प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर, कोई पुराना दांत हो या फिर कोई नया अभी हो गया हो, तो इस तरह की कोई राउंड दाद है, आप इनमें भी इसका यूज कर सकते हैं। या फिर आपको कहीं पर कोई बॉडी में कहीं इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे इसमें फोटो में दिखाया, इस तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर इस तरह की कोई खाज खुजली की प्रॉब्लम हो गई है, या फिर कोई कहीं पर बॉडी में बैक साइड में कोई दाद खाज खुजली की प्रॉब्लम है, या फिर कोई सर के अंदर कोई खाज खुजली प्रॉब्लम हो गई है, कोई दाद हो गए हैं, प्रॉब्लम में इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले कहना चाहूंगा, आप कोई भी ट्रीटमेंट ले अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिएगा, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन होती है, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, इस क्रीम का यूज किस तरीके से करें जिससे कि साइड इफेक्ट ना हो, तो देखिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करना है। पहले इस जान लेते हैं ये डर्मीफोर्ड क्रीम के अंदर क्या आता है। देखिए, इसके अंदर किटोक्रोनाजोल है, बोर क्लोपिटासोल है, न्यूमाइसिन है, बहुत सारे सोल्ट के साथ चार पांच कॉम्बिनेशन में ये बनी है सोल्ट के साथ, जो कि काफी इम्पेक्ट पड़ता है। इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, 7 दिन में ये आपको काफी रिलीफ कर देता है इचिंग प्रॉब्लम से या दाद की प्रॉब्लम में, एकदम खत्म कर देता है। लेकिन अगर आप जैसे इसको बंद करोगे, ये प्रॉब्लम फिर हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप इस क्रीम का यूज कर रहे हो कोई दांत की प्रॉब्लम के लिए, खास किसी प्रॉब्लम के लिए, एक बार तो ठीक कर देगी लेकिन फिर हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है ये मैं बताऊंगा आपको, वीडियो में देखें। देखो, आपको किस तरह से लगानी है ताकि जिससे आपकी जड़ से ये प्रॉब्लम खत्म हो। देखिए, अगर जैसे आपको यहाँ पर कोई दांत की प्रॉब्लम है, तो दांत की प्रॉब्लम है आपको सिर्फ हल्के हाथों से उस दांत के ऊपर अप्लाई करना है दिन में 3 बार। ठीक है, दिन में 3 बार हल्के हाथों से अप्लाई करना है, रगड़ना नहीं, रगड़ोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। हल्के हाथों से दिन में 3 बार दांत की प्रॉब्लम हो या कोई खाल की प्रॉब्लम, हल्के हाथों से जितने पार्टिकुलर एरिया में फर्क आपकी प्रॉब्लम है उतने ही एरिया में आपको लगानी है, बाकी सही एरिया में इसको अप्लाई नहीं करना है। दिन में 3 बार कर सकते हो आप, रगड़ना नहीं है। ये कम से कम आपको 1 महीने का कोर्स करना है, 1 महीने का कंप्लीट कोर्स करना है। इससे 1 महीने से पहले आपको बंद नहीं करना है। फिर क्या करना है आपको, 1 महीने के बाद प्रॉब्लम ठीक होने के बाद तुरंत बंद नहीं करना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है यहाँ पर आगे, तुरंत बंद कर देते हैं जिससे प्रॉब्लम हो जाती है। तुरंत बंद करने नहीं करना है, सडन बंद नहीं करना आपको। फिर आपको 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है, फिर आपको 3 दिन छोड़कर 1 दिन लगाना है, फिर आपको वीक में 2 बार लगाना है, फिर आपको वीक में 1 बार लगाना है। इस तरह से अगर बंद करोगे ना, आपको ये दांत की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना अगर हो जाए तो, ठीक है ना। आपको इस तरह से लगाना है, आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। काफी अच्छी ट्यूब है, बहुत बहुत लोगों ने यूज किया और बहुत लोगों को फर्क भी पड़ा है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये था दोस्तों डर्मीफोर्ड क्रीम के बारे में रिव्यू। और कौन सी मेडिसिन पर आप वीडियो देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारी मेडिसिन रिव्यू मैं करने वाला हूँ इस मेरे चैनल पर, आगे जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत